जो कि एशिया में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर होता है कि जनाब वो आपकी एज 60 के पहुंची और लोगों ने कहा कि बस अब जी जनाब अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। जबकि आपके यूरोप में और अमेरिका वगैरह में कोई इसकी लिमिट नहीं है, am I right? बिल्कुल, यहाँ पे लोग अपनी जो पूरी जिंदगी है वो रिटायरमेंट प्लानिंग में लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि असल आपकी जिंदगी जो है ना, दिस इज द टाइम यू लिव, एक्चुअली यू लिव, क्योंकि जो आपने सेविंग की होती है या पेंशन जमा की होती है वो अब वक्त आ चुका होता है कि गवर्नमेंट भी आपको पेंशन देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं होती है आपके, एंड देन दे ट्रेवल द वर्ल्ड, वो बाहर होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिंदगी की उस वक्त खत्म हो जाती हैं, वो क्या है, आपकी एनर्जी, और यही एनर्जी जब आपके साथ रहती है पॉजिटिविटी की और जवानी की तो आप जवान रहते हैं। और यहाँ के लोग ऑफ कोर्स 60 साल तो शायद अब यहाँ पे रिटायरमेंट एज भी आपको बताता है, चलो कि 67 हो चुकी है, तो ऑलरेडी रिटायरमेंट लोग नहीं लेना चाह रहे क्योंकि दे वॉन्ट टू कीप इट गोइंग, वो चाहते हैं कि यार वो काम करते रहे ताकि वो जल्दी बूढ़े ना हो, क्योंकि जैसे ही आप बैठे बुढ़ापा आपको टच कर जाएगा। एनीवे, गोइंग बैक टू, आपने जिस तरह आगाज किया था कि वो वक्त और जो सॉरी आपकी सारी बात काट रहा हूँ मैं, कि आपने कहा कि वहां पे जो है एज बढ़ा दी गई रिटायरमेंट के 67 कर दी गई है, तो ये तो पाकिस्तान में हमारे पास बहुत पहले से ही है। अच्छा, तो फिर ये 60 साल में रिटायर होने वाला क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो ऐसे ही होता है, आप 60 साल के बाद आप पेपर के ऊपर रिटायर हो जाते हैं, 2 साल की फिर एक्सटेंशन मिल जाती है, फिर 2 साल की फिल्म मिल जाती है आपको। अच्छा, नहीं यहाँ पे फिर ऐसा कि ऑफिशियली 67 है, उसके बाद आप जितना मर्जी काम करना चाहें, मतलब तो वही जिस तरह आप कह रहे हो 60 आपकी ऑफिशियल एज होगी। लेकिन गोइंग बैक टू, आपने जो स्टार्ट किया कि यार उस वक्त के बहुत बड़े बड़े आरजेस थे और वो वक्त था, और जो आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ हमने काम किया, हम तो उस वक्त से सीखने आए थे, हम देखने आए थे कि यार ये दुनिया क्या होती है। और वो मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाए 1990 में जब हमने स्टार्ट किया रेडियो सुनना बचपन में, तो बेसिकली उस वक्त वही मीडियम था जो बहुत से हमारे नए लिसनर्स, अगर लोग जो नए आरजेस हैं, जो 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 जवान है अभी भी और हम बूढ़ों से कुछ सीखें या उनको हम बताएं कि होता क्या था, तो हम जब बचपन में थे तो रेडियो सुनते थे और वो जो तलफ्फुज, वो उर्दू, वो लोग जिन्होंने इसको परवान चढ़ाया उसको, उससे हमने भी कुछ सीखा। उसके बाद फिर थोड़ी जिद्दत आती गई, सन 2000 के बाद कंप्यूटर आया, उसके अंदर मिक्सिंग और रेडियो वो और ज्यादा छोटा होता गया जो इक्विपमेंट है, पहले बहुत बड़े बड़े एंटीना थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके इक्विपमेंट चेंज होते गए। फिर उसके बाद माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा दौर आया जो कि आई एम वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ, के हम वो सब वो दौर हमने देखा, स्पेशली कराची के लोग, उन्होंने देखा कराची ट्रांसफॉर्म हुआ, मुल्क ट्रांसफॉर्म हुआ, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई, मुल्क में टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए, मुल्क में मीडिया और टेलीकॉम पे बहुत खर्चा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई, उसके हम बेनिफिशियरी हैं, रेडियो स्टेशन खुले जिसमें वन ऑफ आर वाज वन ऑफ देम, और रेडियो को जो हमें टीम मिली वो थे जो कि पायनियर जिसको हम सुनते भी आए थे, और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, आप लोगों ने हमें चांस दिया, दैट मींस यू सॉ समथिंग कि यार हम लोगों में वो स्पार्क है कि हम इसको आगे लेके जाएं, तो वो हमने सब कुछ किया। और उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे आई वुड से, उसके बाद से आप देखोगे कि फिर इंटरनेट आता, कि उसके बाद एक सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आया 2011 के बाद, उससे पहले तो शायद हमें, मुझे याद है कि इजाजत भी नहीं थी कि यार फेसबुक पे आप नहीं पोस्ट कर सकते अपने रेडियो शो के बारे में, जो के वो सही भी था, लेकिन उसकी तरफ अगर हम जाते तो वो जनरेशन जो उस दौर की थी जो कहती थी नहीं यार ये इस तरह, अब वो पीछे हटती गई, फिर वो उस रेडियो से हटते गए, रेडियो में वो जो चीज थी वो कमर्शियलिज्म आ गया। अब आप जिस तरह आप कह रहे हो पाकिस्तान में अगर मैं एफएम सुनता हूं, मैं बंद कर देता हूं, मैं भी नहीं सुनता जैसे आप नहीं सुनते, क्यों, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मैं कोशिश करना करता हूं कि यार कुछ एफएम सुनूं मैं पाकिस्तान में, वो क्या रहा है भाई, लगाओगे आप एक स्टार्ट करोगे गाड़ी तो कमर्शियल शुरू हुआ होगा, और जब आप बंद कर रहे होगे गाड़ी तब भी कमर्शियल ही आ रहा होगा, तो भाई मैं तो यार ऐसा रेडियो तो मुझे कमर्शियल थोड़ी सुनना, मुझे तो रेडियो सुनना था। तो एक तरह से एक इस चीज ने मारा, और दूसरी इन्वेंशन ऑफ सोशल मीडिया जहां पे लोग पॉडकास्टिंग कर रहे, नाउ अब आप इसको एज अ पॉडकास्ट ले सकते हो, आप इसको रेडियो शो मत लो, आई मीन यूर आप इसको पॉडकास्ट लो, आप हमसे लर्न कर सो, इसी को आप रिकॉर्ड करके इस वक्त अगर आप रखे रहोगे हो सकता है इसके व्यूज बढ़ते रहे, और इवेंचुअली कुछ लोग जो लर्न करना चाहें कि रेडियो में क्या हुआ था इसके ऊपर ये वीडियो आगे चले, सो इट्स दिस इज हाउ इट्स ऑल ऑपरेटिंग। सो नहीं, जस्ट आपने स्टार्ट किया तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूं और थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बयान करूं। नाउ ओवर टू यू। बिल्कुल जाहिद, जो जितनी बातें की उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज
ये वो रियलिटीज हैं जो हम लोगों ने देखी हैं अपनी आंखों से। हम लोग खुशकिस्मत हैं, और ऐसे खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में आए कि जब रेडियो जो है यू कैन से कि परवान चढ़ रहा था, और हम लोग उसमें आके सेट हुए उसके अंदर। और जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों नहीं बल्कि जो हमारे और दूसरे सीनियर्स थे उन्होंने मौका दिया, जो हमारे सीनियर्स थे, मैं कहता हूँ सीनियर्स में जैसे एजी थे, अजहर हुसैन थे, और फर्रुख खान थे, नाजिया थी, और बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। तो उन्होंने आके हमें चांस दिया और हमने उन्हीं से सीखा बेसिकली। ईमानदारी बात है, मुझे तो जब कहा गया कि आपको, मेरा तो पता ही है कि मैं बैठा कैसे था, कैसे इन हुआ था रेडियो के अंदर, वो बरकत आए थे। तो बरकत ने कहा कि मैं जब कोई जोक सुनाऊंगा तो मैं इन पे महविश पर रख के नहीं सुना सकता, मैं तुम बैठ जाओ। मैंने कहा भाई, मैंने तो कभी माइक्रोफोन को पकड़ा भी नहीं, छुआ भी नहीं। उनका नहीं, आप बैठ जाइए। खैर वो फिर ऐसे बैठे कि बैठे रह गए, और काफी कुछ सीखा हम लोगों ने। और हकीकत है कि उस वक्त सिखाया जाता था, बताया जाता था, और इवन जो हमारे उस वक्त लिसनर्स होते थे वो भी बड़े कायदे के होते थे, वो भी चीजें बताते थे हम लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम चलता रहा, गुजरता रहा, और फिर उसके बाद जो एक जुलूस की सूरत में स्टेशन आना शुरू हुए, ये मैं अपने कई वीडियोस के अंदर ये इसको कह चुका हूँ, लेकिन अब चूंकि आप आए हैं और आप उसी को लेके चल रहे हैं, और आप चूंकि उस दौर से गुजरे हैं, वो जो एक जुलूस आया ना, उसके अंदर जो है सत्यानाश होकर रह गया। और सत्यानाश क्या हुआ कि जनाब उन उन लोगों के पास, उन उन लोगों के हाथों में एफएम रेडियो चला गया जिन्होंने कभी मीडिया को टच तो करना दूर की बात है, देखा भी नहीं था। और उनको ये अंदाजा हो गया कि अगर कराची का जो रेडियो स्टेशन का जो एक लाइसेंस था वो करोड़ करोड़ क्रॉस कर चुका था वो। तो अब जाहिर सी बात है, जो शख्स करोड़ लगा रहा है तो फिर वो उसको रिकवरी भी करेगा, और रिकवर करने के लिए फिर यही तरीके होते थे कि जनाब सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर प्रेशर कि जनाब आपको इतना बिजनेस लेके आना है। अच्छा, उस पर बिजनेस भी तकरीबन आ ही जाया करता था, बिकॉज कंटेंट अच्छा होता था, लोग अच्छे होते थे, वॉइस अच्छी होती थी, उनको पता है किस तरह बोलना है, किस तरह से जनाब एंटरटेन करना है। बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो गया है कि अब तो उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है, और जैसे कि आपने भी कहा था अपना जाहिद, कि अब मुझे जहां तक नॉलेज है, चूंकि मैं मीडिया सेल्स में रह चुका हूँ, सेल्स मार्केटिंग, तो अब कुछ रेडियो स्टेशन ऐसे भी थे जाहिर जो कि ऑफ एयर थे, बंद थे, लेकिन उनको भी बिजनेस जा रहा था। तो अब आप सोचें जब इस लेवल के ऊपर रेडियो चलना शुरू हो जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। और आप वहां यूके में थे और मैं जब वहां आता तो हम रेडियो सुनते थे, तो हम कहते थे यार असल रेडियो शायद ये है, हम लोगों ने शायद उधर टाइम जाया किया उधर। और अभी भी जो है हमारे रेडियो के ऊपर काम नहीं हो रहा है, और अब तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, वही वाली बात के लगाओ तो मजा नहीं आता सुनने में। यहाँ पे आने के बाद कोशिश की हम लोगों ने, सब लोगों ने, कि भाई कुछ अपना स्टार्ट किया जाए, तो ये एक वेब रेडियो का हमने स्टार्ट किया। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वही आती है कि नॉन प्रॉफिटेबल चीज है ये वेब रेडियो, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कहीं से, कोई फंडिंग नहीं है। तो जितना जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों की मदद से, और जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि हमने जब स्टार्ट किया था लाइव रेडियो तो जाहिद जमाल जो थे यूके से शो किया करते थे, और बड़ा अच्छा इनका शो होता था, लेकिन चूंकि मसरूफियत की वजह से फिर ये एक साइड पकड़ गए, और उसके बाद फिर हमारी कभी कभी इसमें मुलाकात होती है। लेकिन हमारा जो एक पुराना रेडियो का ग्रुप है उसमें अभी भी हम लोग साथ हैं, और कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। जाहिद, वहां से बैठ करके आपने यहाँ रेडियो स्टेशन सुने, आपको कभी कुछ लगा कि यार इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या बस सब छोड़ो कहना बेकार है? मैंने ऑफ कोर्स आप मैंने ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड दूं कि आफ्टर डूइंग रेडियो इन पाकिस्तान 2 साल वहां पे काम किया, और रेडियो जो कि मेरी फील्ड नहीं थी, जिसको मैंने एज अ फन लिया, एक नई चीज जो कि पर्सनैलिटी में मेरे था बात करना, और चाहे मैं होस्टिंग करता था पहले अपने स्कूल के इयर्स में, तो मुझे बड़ा पसंद था कि यार थोड़ा सा अपनी आवाज को कहीं रेडियो के उसमें मीडियम में यूज किया जाए। शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी कि एमटीवी या वीडियो के लिए कभी अप्लाई शक्ल किसी की भी अच्छी नहीं होती भाई, शक्ल जो आप टीवी पर देख रहे होते आर्टिस्ट, उनकी भी माजरत के साथ अच्छी नहीं होती,
वो कहते हैं ना बकौल उमर शरीफ के, वो कूची मार करके वो परफेक्ट कर दिए जाते हैं वो। बस अब वो इतना हौसला नहीं था कि अब इस शक्ल को उस लेवल पे भी लेके जाएं कि इसको पोचा मार के कोई बेहतर कर दे। तो हमने कहा यार बेहतर है कि इसी रेडियो में रहो। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अपनी तालीम पूरी की कराची में, फिर मैं सऊदीया चला गया। उसके बाद सऊदीया से फिर मैं यूके आ गया। यूके में मैंने ऑफकोर्स एज सबसे पहले जो एक आरजे थी वो बता रही थी सनराइज रेडियो के बारे में, जो कि यहाँ का हाउस होल्ड नेम है, बिग नेम। उसके बाद एक सुनो रेडियो भी एक आया, उसको भी मैंने बहुत सुना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज मैं आपको बताना चाहूँ कि जब से सोशल मीडिया की अप्रोच आई, यूट्यूब और पॉडकास्टिंग, यहाँ का भी रेडियो जो है वो बिल्कुल ही अब कोई नहीं सुनता। जो कि रेडियो अब सुनते हैं लोग वो सॉन्ग्स के लिए नहीं सुनते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स उनको फ्री में, बहुत सी एप्स आई हुई है, आई कांट नेम देम, बट आप फ्री में अपने इंटरनेट, क्योंकि फ्री हो गया है एज सच, तो फ्री है, कभी भी आप कोई भी सॉन्ग सुन लो। जो मैं रेडियो प्रेफर करता हूँ अपनी गाड़ी में जो मैंने लगाया होता है, वो यहाँ का LBC है, एंड दैट इज लंडन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दैट इज फुल ऑन डिस्कशन बेस्ड रेडियो, सॉन्ग नहीं आते, लेकिन इतना इंटरेक्टिव और इतना जबरदस्त वो लोग कॉन्टेंट लेके आते हैं, बात इतनी टू द पॉइंट, करंट और विदाउट ड्रैगिंग करते हैं कि यू आर ग्लूड टू इट, एंड दैट इज व्हाट अ गुड आरजे और शो शुड लुक लाइक। पाकिस्तान में अगर मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा, मैं इसको दुबई से कंपेयर करता हूँ, या कतर में जहाँ पे मैं रहा, फिर यहाँ से मैं कतर भी गया, यहाँ पे मैं एज अकाउंटेंट काम करता रहा, उसके बाद कतर चला गया। तो वहाँ के रेडियोज मैंने देखे, वहाँ पे ऑफकोर्स हमारे इंडियन डायस्पोरा जो छाया हुआ है वो हर तरफ इंडियन आरजेज हैं, एंड वहाँ पे मैं बहुत ही जबरदस्त से न्यू रेडियो स्टेशन जो खुले उनको सुना। उनका जो कंटेंट और जो स्टाइल है हमारे FM 105 का जो हुआ करता था वो था, टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर इन दिस ग्राउंड, क्या होता है कि जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, लाइक आप बात कर रहे हैं इंटरेक्टिव एंड नॉट ड्रैगिंग एनीथिंग, देयर नॉट ड्रैगिंग एनीथिंग, देयर टू द पॉइंट एंड यू कनेक्टेड टू द नेक्स्ट सॉन्ग और म्यूजिक एंड दैट्स इट। या उसके बाद आपने किसी को ऑन एयर ले लिया, अब ये यहाँ हो रहा है, एंड उसके अंदर एक लिमिटेड कमर्शियलिज्म है ऑफ कोर्स, एंड यू नो इट कि यार अब ये कमर्शियल आ रहा है, एक मिनट के लिए चलेगा, उसके बाद फिर दे आर बैक टू द शो, एंड दैट इज द सेम दैट वी हैड इन 2007 व्हेन वी यूज्ड टू डू द शोस। अब वो पाकिस्तान से अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्लाह की पना, मतलब आप स्टार्ट करेंगे आपको कमर्शियल, इवन के एक रेडियो होता हम रेडियो हमारा हुआ करता था जो कि सिर्फ सॉन्ग बेस्ड था, अब मैंने उसको सुना कराची में जाके रिसेंटली, वहां पे भी कमर्शियल चल रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई, एक तो तुम लोगों ने हमारे पड़ोसी मुल्क का म्यूजिक बंद कर दिया जो कि सुनने वाला होता है, अपने मुल्क में मैं लाहौर द पावा अख्तर लावा के अलावा और इस तरह के बेढंगे बेसुरे लोगों को सुनने के अलावा और किसका म्यूजिक सुनूंगा। या वो एक आ जाता है हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, भाई वो ठीक है आपने उसको किया हुआ, लेकिन वो उस तरह की आवाजें आप सुनाओगे हर कितनी मरतबा, जज्बा जुनून आप पैदा करोगे, हर वक्त 23 मार्च और 14 अगस्त तो नहीं चल रही होती ना, तो आपको कुछ और भी कंटेंट चाहिए। आपने वो बंद किया, आपका रेडियो और आपकी बहुत सी मीडिया इंडस्ट्री उससे तबाह हो गई ऑलरेडी, तो कॉन्टेंट रहा नहीं है लोग अब एंड अगेन क्वालिटी ऑफ पीपल, अगेन मैं कहूंगा आप जैसे लोग दुबई चले गए, बहुत से और लोग जो के हमारा सरमाया थे, they've left Pakistan and that's the biggest flight and departure of talent, brain drain जिसे कहते हैं, बहुत से लोग चले गए हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि आपने उनकी वैल्यू नहीं की। अब जो रह गया वो फिर लाहौर द पावा अख्तर लावई आपको शो दिखाएगा और उस पर आप खुश भी होंगे, माशाल्लाह हमारी कौम इतनी फेली है, इतना उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट या क्वालिटी की कोई नामो निशानी है कि उसी में खुश है, तो बस उसी में जो खुश कौन है फिर उसी में खुश हो जाए, हम जैसे लोग तो फिर बाहर चले जाते हैं यार, उसको हम बर्दाश्त। सही कह रहे हैं आप, जो सही मानों में टैलेंट था, जो जिन लोगों के पास सही मानों में कॉन्टेंट था, उनको तो आपने निकाल के साइड पे कर दिया। अभी जैसे मैं बात कर रहा था उससे, हमारी MJ नाजी उनसे बात कर रहा था कि अब जो है वो किसी सेलिब्रिटी को लाया जाता है ताकि नंबर्स बने, ताकि लिसनरशिप बने, लेकिन ये लिसनरशिप जो है ना वक्ती लिसनरशिप जो होती है वो बिल्कुल बेकार होती है, वो नहीं होती, वो तो आपने सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए कि जी देखिए हमारे पास ये नंबर्स हैं। आपके पास अगर जब आपने रेडियो ऑन किया है और जब आपने बंद किया है, जब सुबह से लेकर शाम तक आपके पास अगर लिसनर्स वही हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, हल्के हल्के अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर सक्सेसफुल ना, कि आपका अच्छा रेडियो है। लेकिन अगर ये कि सारा दिन जो है वो आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे है और किसी एक जगह पे आके वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, वो भी किसी वजह से, किसी रीजन से, तो मेरे ख्याल से ये कोई वो रेडियो नहीं है। और अभी जैसे मैं उसे नाजिक भी कह रहा था
कि अब क्या हो रहा है, मोस्टली जो आरजेस आ रहे हैं वो आते हैं, वो आकर के सिर्फ क्या सॉन्ग्स प्ले करते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं और बस। एक तरह से जैसे कहते हैं वो पत्रकार जैसे कहते हैं वो लोग, यानी चिट्ठी पढ़ने वाले, कि उसका मैसेज उसको उसको डेडिकेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये रेडियो नहीं है, ये तो आप किसी किसी सॉरी टू से किसी पेयन को चपरासी को लाके बैठा देंगे, वो भी कर लेगा ये तो। अच्छा, और एक और भी चीज आ गई है कि किसी भी आरजे ने, मैं एमजे का नाम नहीं लूंगा, किसी भी आरजे ने आके अगर 4-6 महीने साल भर अगर शोज कर लिए तो वो अपने आप को सीनियर काउंट करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को शाहरुख खान समझना शुरू कर देता है और वो समझता है कि जनाब मैं तो इतने अरसे हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं किसी की तरफ, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी की तरफ कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी को नहीं बोल रहा मैं, ये एक जनरल व्यू में बात की जा रही है कि हर कोई अपने आप को जो ना समझता है कि जनाब मैं हीरो हूँ। हीरो ऐसे नहीं है, हीरो होता है आपके पास अगर आप अच्छी चीज लेके आ रहे हैं, कॉन्टेंट विद क्वालिटी लेकर के आ रहे हैं तो आप हीरो हैं। लेकिन ये कि अगर 4 लोग आपको सुन रहे हैं आपकी बक 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 से, तो माफ कीजिएगा वो लोग हैं जिनको जिनको हम काउंट नहीं करते। माजरत साथ अगेन कि वो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। आपका जो मैसेज जाता है, क्लाइंट का मैसेज जाता है, वो कौन लोग ले रहे होते हैं? वो ज्यादातर यही लोग ले रहे होते हैं जो कि पढ़े लिखे समझदार होते हैं। मतलब अगेन दोबारा मैं माफी चाहता हूँ भाई उन लोगों से जो कि थोड़े से वो हैं, इलिटरेट हैं, बट वो भी बैकबोन है हमारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वालिटी को कहीं तो मेंटेन करें ना, कहीं तो रखें क्वालिटी को, क्वालिटी है ही नहीं इसके अंदर। अब जब यहां से, अब दुबई जब मैं गया, वहां जाके मैंने रेडियो सुना तो मैंने कहा यार असल रेडियो तो ये, हम तो पता नहीं क्या चला रहे थे यहाँ पे। और कमर्शियल, जितने ज्यादा कमर्शियल होंगे वो कहते हैं हमारा रेडियो इतना अच्छा है। और वही वाली बात कि जितने अभी जो ओनर्स आए हैं, जो जिनके हाथ में रेडियो आया है, उनको तो पता भी नहीं रेडियो का, मीडिया का है क्या ये। वो तो सिर्फ पैसा कि हमें इतना इतना चाहिए भाई, ये टारगेट है हमारा। तो अगर हम ये लेके चलेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और उसकी मेन वजह रेडियो की जो है, उसका ग्राफ नीचे आना मेरे ख्याल से यही है, जो कि नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग जो हैं वो आके बैठे हैं, उन्होंने लाइसेंस लिया है और नॉन प्रोफेशनल लोगों को उन्होंने जो है डायरेक्टर या हेड बना के बिठा दिया है वहां पे, जिनको कुछ नहीं पता। और एक और भी चीज है इसके अंदर, फेवरिज्म, कि आपने अपने 3-4 आरजेस ऐसे बिठा दिए जिनको आप पसंद करते हैं जी, वो फलाने डायरेक्टर या फलाना मिनिस्टर सुनता है तो जनाब इसको तो हटा नहीं सकते हम यहाँ से। तो इसकी वजह से भी जो है वो रेडियो हमारा नीचे आया है। अगर मेरिट पे लेके चले तो मेरे ख्याल से हमारे पास टैलेंट बहुत है, क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही, बहुत माजरत के साथ, इस दफा जब मैं कराची गया और मैंने रेडियो थोड़ा सा ट्यून करके सुना, तो अक्सर ऐसे भी लोग आरजे बन चुके हैं जिनको उर्दू की अदायगी में जो अल्फाज जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी सही इस्तेमाल और अदा करने नहीं आते। मतलब अगर मैं आते कह रहा हूं तो वो आते इस तरह करके बोलेंगे, मतलब अल्लाह माफ करे कि आपका तलफ्फुज तक सही नहीं है और आप आरजे बन के उर्दू में आप आरजे ही कर रहे हैं। भाई आप अपनी जबान में कर लें, और या फिर मतलब हमारे दौर में उस वक्त तक भी क्वालिटी इतनी थी कि आपको तलफ्फुज पे आपको बताया जाता था। पहले तो आपकी सिलेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप में वो कैलिबर नहीं है, अगर आप उस घराने से नहीं आए तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। आप जितना मर्जी गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करोगे वो लद जाएगा, वो घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा घोड़ा होता है। तो इसकी मिसाल मुझे ऐसी देनी पड़ी है, लेकिन अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। तो अब बहुत से लोग, ऑफ कोर्स हमारे दौर में भी होता था और मैं भी इसमें शायद शामिल हूँ, कि हमें कहा जाता भाई इंग्लिश में मत बात करें आप, क्योंकि आपकी लैंग्वेज नहीं है, अगर आप उस पे उर्दू नहीं है तो आप अपना ही मजाक उड़वाएंगे। अब वो दौर आ गया कि भाई उर्दू आपकी लैंग्वेज नहीं है तो आप उर्दू या तो सीख लें या फिर उनको चांस दे दें जो बोल सकते हैं। नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है, इवन टीवी के ऊपर भी है, कि बहुत सारे लोग बड़े अपना न्यूज पढ़ रहे हैं या कोई वो टॉक शो चल रहा है उसके अंदर, उसमें इतना तलफ्फुज खराब है। इवन रेडियो की बात करो, चलो रेडियो के अंदर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अबे कीमत क्या होता है भाई, कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये जो आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं आप, ये गलत क्या होता है भाई, उनको कोई बताने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। सिखाने वाला क्यों नहीं है कि जो पीछे बैठे हैं वो भी यही है, वो उनकी भी कीमत खराब है, उनकी भी गलती है सारी। तो ये आवे का आवे ही पूरा बिगड़ा हुआ है। अख्तर लावे वाली बात हो गई आपकी, अख्तर लावा है, क्या क्या बोलते हैं आपको? बिल्कुल लाहौर द बाबा अख्तर लावा, लाहौर पाकिस्तान में इसी का बोलबाला है भाई, आवे आवे अख्तर लावा आवे आवे। अच्छा जाहिद, ये बताएं अब आप वहाँ यूके में, लंदन में, तो आपको कैसा महसूस होता है ईद बकरीद, ये जो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप?
पर ये बात तो आप हम लोगों से हम गरीब शहरों से तो बात ही ना करें इस बारे में, क्योंकि अगर अगर आप लोगों के पास है, पाकिस्तानियों के पास एक चीज है दुनिया में जो कि जिससे हम लोग जेलस हैं, वो है आपके अपने, अपनी ईद, अपना फेस्टिवल, अपना रमजान, अपने खाने, अपना माहौल। अगर कोई ऑफकोर्स अब तो हम यहाँ पर चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर खसूसन मैं जो कि पाकिस्तान से कनेक्ट रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने कल्चर में रहूँ और अपनी फैमिली भी इस कल्चर में पले बढ़े और इवेंचुअली हम शायद मुल्क हमारा किसी नहज पर पहुंच के बेहतर हो जाए। उम्मीद तो थी, फिर कभी उम्मीद नाउमीदी में तब्दील होती है और फिर कभी उम्मीद फिर आ जाती है। तो हम यही सोचते हैं यार जो बाहर के लोग हैं कि यार के चलो कभी तो कोई ऐसा दौर आएगा कि यार हम रिटायर होके अपने मुल्क जाएंगे, वही चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जिस आपने पूछा ये फेस्टिवल्स, ये हम लोग मिस करते हैं यहाँ पर बैठ के। लेकिन हम जो ट्राई करते हैं वो ये कि हम मुस्लिम कम्युनिटी एरियाज में रहें, तो एटलीस्ट जो मॉस्क्स हैं हमारे पास हैं, हमारे जो हलाल शॉप्स हैं वो हमारे पास हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रीट है इल्फर्ड में, लंदन में आप लोग तो नहीं आए, लेकिन दुबई में भी इसी तरह की स्ट्रीट है जो कि पूरी पाकिस्तानी स्ट्रीट है। वहां पर सारे रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के चाय वाले वहां पर हैं, पाकिस्तान के बिरयानी सेंटर्स वहां पर हैं, पाकिस्तान के बहुत कड़ाई हैं और सब पूरे स्ट्रीट बनी हुई है एज अ तारिक रोड, जिस तरह यहाँ पे कहा जाए हमारा पाकिस्तानियों का। वही टेस्ट है जो यहाँ कराची में पाकिस्तान में होता है खाने का, वो कभी नहीं मिल सकता। और इसी तरह की ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा वीडियो अपनी बनाना शुरू की है रिसेंटली, तो मैंने एक ट्रेजर हंट पे निकला था कि कराची की बिरयानी लंदन में मुझे कहीं मिल जाए, तो मैं घाट घाट की बिरयानी मैंने खाई। मैं क्या करता था, मैं सुबह निकला हूँ और मैंने कहा यार ऑर्डर करना है, एक बर्थडे पार्टी आ रही है हमारे घर, तो हमें एक बिरयानी बनवानी थी। तो लोग कहते हैं भाई जी बादशे आ जाओ तुसी फिक्र ही ना करो। मुझे वहीं से पता चल जाता कि कराची की बिरयानी कैसे मिलेगी यार। और भाई आके देखो, मैंने कहा ठीक है सर जी आप खिलाएं, ठीक है थोड़ी सी भी करीब होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वो खिलाते थे लेकिन आपको पता है हम लोग कराची वालों की भी बिरयानी तो एक दुखती रग है, उसको कोई दबा नहीं सकता, उस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी चौथी, नहीं मिली कहीं। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि कराची जैसी बिरयानी कराची से बाहर कभी नहीं मिलेगी और खासतौर पर इतने समंदर पार तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। पता नहीं दुबई में आपको मिली है कि नहीं, लेकिन वो बनाना एक आर्ट है। और लिटरली मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ूं, कराची जाऊं, किसी बावर्ची से बिरयानी बनाना सीखूं और वो शॉप खोल लूं। ये आपको बताऊं, ये अगर आप फूड का बिजनेस वहां स्टार्ट करें और आपके हाथ में वाकई टेस्ट है तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है वहां पे। और सेम जो आपने दुबई की बात की थी, दुबई के अंदर भी यही था, जब मैं मेरे ख्याल से पहले ही हफ्ता था तो ये शौक हुआ कि यार बिरयानी खानी है, कहाँ से खाएं। तो किसी ने कहा ये पीछे जमजम रेस्टोरेंट है, यहाँ चले जाएं, यहाँ अच्छी मिलती है बिरयानी। मैं कहा ठीक है चले गए। जैसे ही इंटर हुआ तो इंटर होते ही मुझे पता चल गया कि ओ ये तो इनका रेस्टोरेंट है। अच्छा अब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना वो ज्यादा इस चीज को समझते हैं कि किसका रेस्टोरेंट है ये, ऐसे करते हैं। तो वो भाई वो था मलबागियों का रेस्टोरेंट, यानी कि केरला वालों का। तो वहां पे गए, वहां पे ऑर्डर किया कि भाई जरा एक बिरयानी, आजा बैठ जा, बिरयानी मिलेगा तुम्हें, आजा मिलेगा मिलेगा। अब अच्छा पहले तो शुरू में जाके अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो गया कि वो यस कर रहा है कि नो कर रहा है, ऐसे हर बात में वो असल में दोनों कर देता है, वो समझ नहीं आती ना, क्योंकि वो यस और नो क्लियरली नहीं बोलते ना, ये उनकी कामयाबी का राज है। एनीवे तो वो बहरहाल वो बिरयानी आई है। बिरयानी यार जाहिद क्या बिरयानी थी, वो बेसिकली सिर्फ उबले हुए चावल थे और चावल के ऊपर उसने जो है वो कोरमा टाइप ऐसे चला के उसे बोटियां रखी थी उसके अंदर। अरे ये फिर उसने कहा कि नहीं है आप सर आपने गलत चले गए, आप उसको कहिएगा कि वो अरबी वाली बिरयानी है। मैंने कहा अच्छा अरबी वाली बिरयानी क्या थी। अरबी वाली बिरयानी में वही सादा चावल थे, उसमें कुछ कलरफुल चावल डाल दिए थे, कुछ किशमिश थी उसके अंदर और दो चार बोटियां थी। तो कहने का मतलब है कि कई जगह तलाश किया लेकिन वहां दुबई में कोई ऐसा टेस्ट नहीं मिला। हाँ डेरा में अलबत्त एक जगह थी जहाँ पे निहारी अच्छी मिलती थी और वो कराची रेस्टोरेंट था, वो किसी कराची की पार्टी का था और वहां पे बहुत रश रहता था, स्पेशली आपके वीकेंड्स के ऊपर तो बाकायदा आपको बाहर खड़ा रहना पड़ता था क्यू में कि जब वो निकलेंगे तो हमारी बारी आएगी। तो टेस्ट के लिए बंदा परेशान होता है, अपने रिश्तेदारों के लिए परेशान होता है और बहन भाइयों के लिए। बाकी ये है कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल सुकून और फ्रेश चीजें आपको वहीं मिलेंगी। हमारे पास हो सकती हैं, हमारे पास हो सकती हैं, बट हम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम शॉर्टकट में आगे निकल जाएं, ज्यादा कमा जाएं, तो इस चक्कर में हम मार खा रहे हैं।
अब ये देखें, इसके इसके बारे में बहुत बात हो सकती है कि हम शॉर्टकट क्यों लेना चाहते हैं, और शॉर्टकट हम लोग शायद इसलिए लेना चाहते हैं कि जब ओवरऑल माशरे में नाइंसाफी हो, आपको पता होगा आपका हक आपको वक्त पे नहीं मिलेगा, तो आप या मैं, अगर मैं अपने आप को उस माशरे में सोचूं तो मैं भी शायद शॉर्टकट लेने की कोशिश करूंगा कि यार जिंदगी थोड़ी सी है, और जहां पर मिलने से अपना हक ना मिले वहां पर यही छीना झपटी होगी, और मैं इसलिए कसूरवार नहीं ठहरा था। जो सर कसूरवार है उनका सबको मालूम है, और उनके बारे में उनका सबको मालूम है, लेकिन वो फिर भी ना मालूम है, तो इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो सकती। नहीं, ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। इसमें जो ना, इसमें छोटी छोटी करप्शन और छोटे छोटे क्राइम जो ना, अब वो मायने नहीं रखते। अब तो आप देख लें, अभी वही वाली बात है कि आप कुछ बोलना भी मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते हो ना, बोलने को बहुत कुछ है। ये मेरी नॉलेज में ही बहुत कुछ है, आपकी वहां बैठे आपकी नॉलेज में बहुत कुछ है कि हो क्या रहा है, लेकिन बस वरना शार्क कभी केबल काट देगी आपको। एक तो कभी अगर आपको यूके में कोई कहीं वीडियो मिल जाए ना उस शार्क की, तो मुझे दिखाएगा जरूर, शार्क है कौन सी देखना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े शार्क्स हैं भाई कराची में यार, ये यहाँ पे इंडिया में भी नहीं, वो भी आपके बाजू में ही लगता है। इंडिया भी चल रहा है भाई, दुनिया की पांचवी इकोनॉमी, बल्कि यूके को बीट कर दिया इंडिया ने, आपके बराबर में ही है वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मुझे और भी समझ नहीं आई कि किसी से यहाँ पूछा गया कि भाई वो नेट कनेक्शन का इशू है, या पता नहीं उसका किसका, वो जो एक एप्लीकेशन चल रही है, नाम ही लूंगा आजकल, उसके ऊपर बड़ा आजाब आया हुआ है, तो किसी मिनिस्टर ने पूछा, वो कहते हैं जी वाईफाई से तो मेरे मैसेज चले जाते हैं। समझ में नहीं आया कि वाईफाई से चले जाते हैं, और इसका मतलब है कि जो डेटा पैकेज आपके पास चल रहा है उससे आप नहीं जा सकते, ये चक्कर क्या है ये? तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह गड़बड़ घोटाला है, और ये गड़बड़ घोटाला मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो है वो सीधा हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा इसके अंदर। शहजाद अगर हमें सुन रहे हैं तो शहजाद प्लीज ज्वाइन करें, ताकि हम जरा अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को वेलकम एक बार फिर से, खुशामदीद, मैं भी आपके साथ हूँ, सुन रहा हूँ, बड़ी मजेदार गुफ्तगू हो रही है। और अच्छा तो नहीं हो रहे कहीं चाय चाय मैं बनवा लेता तुम्हारे लिए। दीदी तुमने इतनी जहीन वो इतनी जहीन उनसे आरजे से आपने आपने इतनी मर्तबा पूछा कि चाय पी के आप जहीन हो गए। अच्छा नहीं देखें, वो पहले की गुफ्तगू है, खैर माशाल्लाह आपसे पहली दफ़ा हमारी बात हुई है जहद भाई, अच्छा लग रहा है हमें। और आपने हाँ ये जो आपने कहा ना कि अख्तर लावा, वो वाला दोबारा से बोल दें, क्योंकि पहले बंदे हैं जो आपने लाहौर को ज़्यादा प्रमोट किया, हम तो कराची को प्रमोट कर रहे थे ज़्यादातर भाई। लाहौर लाहौर है, और जितने लाहौर नहीं देख गया वो जमीन है। ये किसी ने मुझे बताया था कि लाहौर लाहौर है, कराची उज द शहर है। मैं आगे कराची, देखो जिशान भाई जो बड़े होते हैं ना वो इन छोटी बातों में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए कराची के बारे में ना ही बोले। नहीं नहीं वैसे ये देखो ये जो स्पेशली बात की हमने, ये सिर्फ एक मजाक थी, क्योंकि कभी हमने इसको हाईलाइट नहीं किया, कभी इसके ऊपर डिबेट नहीं की, कभी को डिस्कस नहीं किया कि कराची क्या और लाहौर के, ये सारे पाकिस्तान के हिस्से हैं, सारे कलर जो है हमारे ही हैं। और आप हाँ इससे देखें, एक चीज बड़ी सी याद आ गई, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि जी तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम फलाने जगह से, लेकिन जब हम जाते हैं पाकिस्तान से बाहर तो हम सारे एक हो जाते हैं। यहाँ पे आके हम रूल तोड़ रहे होते हैं, यही जो कल मैं बात कर रहा था कि जनाब ट्रैफिक की एक जनाब लाइन बनी हुई है, और एक राइट साइड पे ट्रैक पूरा खाली पड़ा हुआ है, वो एम्बुलेंसेस के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, बट कराची के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ट्रैक खाली मिला, अरे खाली क्यों पड़ा हुआ भाई, घुस गए उसके अंदर, अब जब वो भी फुल हो गया तो अब क्या करें भाई, वो फुटपाथ जम की उधर से निकल के वहां चले गए। तो ये हम अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इनको हम क्यों नहीं फॉलो करते भाई? अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत अच्छी कंट्री है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे वसाइल और ऐसे ऐसे जखायर हैं कि ये तो हमारे लेफ्ट राइट वाले कुछ भी नहीं है भाई। जिशान भाई सारे रूल्स अगर हम ही फॉलो करेंगे तो जिन्होंने असल में रूल फॉलो करने हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो रूल फॉलो कर नहीं रहे जिन्हें असल में रूल फॉलो करने चाहिए, जो मराहत भी ले रहे हैं उसी सीटों पर बैठने के लिए। वहां से रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा तो हम बिचारों को क्या इल्जाम ठहराना, आवाम क्यों रूल फॉलो करे? असल बात ये है। ये देखें आपके इंटरनेट की भी जो है ना तार काटने आ जाएगी वो मछली जो है जो आप बोल रहे हैं।
नहीं, इनकी जाहिद की नहीं कटेगी, अच्छा सबसे पहले हम लोग ही कटेगी जाहिद। अच्छा तो फिर हम जाहिद भाई से रब्ता नहीं हो पाएगा ना हमारा, फिर हम आपको मिस करते रहेंगे फिर। क्या हमको एलेक्स को ले सकते हैं क्या? जी हाँ, हमारे पास जो है ना ये हमारे पास फ्रेम बहुत छोटे छोटे से हैं आज, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हमारे पास आज तो नहीं आए, खैर तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो जहद भाई से वाइंड अप करेंगे तो फिर एक नया एपिसोड क्रिएट करेंगे दोबारा से, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं ना वो जब क्लिक करें तो उनको एक एक मेहमान अलग अलग मिले, वरना लेंथी वीडियो में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई रह ना जाए ना। अच्छा, इस प्रोग्राम, इस हमारी कन्वर्सेशन के तवसत से मैं जाहिद आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कभी कहीं ऐसा हो सकता है वंस इन अ वीक आप हमारे साथ शो कर सकते हैं, या हमारे लिए अगर गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग होगी और आप शार्क की तरह मेरी लाइन नहीं काटेंगे सच बोलने पे तो आपको मेरा पता है बोला बयान हूँ और शार्क काटने बैठी होती है। देखिए हमारे पास शोला बयान जो है इस वक्त दो लोग हैं वो। अच्छा हाँ, जानते हैं आप? पता नहीं दूसरे कौन है। दूसरे वो हमारा जो ग्रुप है उसमें है शोला बयान। अच्छा अच्छा, ओ हो, सोचो वो दोनों एक शो में साथ आ जाए क्या। नहीं करेंगे, अभी हमने प्लान ही किया है कि हम ये रमजान तक इंशाल्लाह कुछ इस तरह से ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। तो रमजान की बात ही रखना उनको मेरे साथ, क्योंकि पता है आपको फिर उस शो में क्या होगा रमजान में, तो मैं बोल नहीं सकता हूं। नहीं 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 नहीं, देखिए ये एक चीज आपको बताऊं, ये आप भी इससे एग्री करेंगे कि हमारा अपना मौकफ और हमारा अपना फेल हमारे साथ है, लेकिन जब हम एक जगह बैठते हैं ना तो हम उसको उससे हट करके बातें कर रहे होते हैं। अगर हम कोई टॉपिक है तो उस पर हम एग्री होते हैं, ये सिर्फ एक हंसी मजाक के लिए इस तरह की बातें होती हैं, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे हम इस तरह से बैठे हुए किसी महफिल में बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब हम स्क्रीन पे आएंगे, जब माइक पे आएंगे तो हम आपको सीधे मिलेंगे। और आप बिलीव करें ना करें, जब मैं और नाजिया शो करते थे सैटरडे नाइट वाला, उसमें हमारे बड़े बड़े फड्डे होते थे, लेकिन मजा ले लिसनर्स को पता चल जाए कि हमारे कोई फड्डे हुए पीछे। तो यही चीज हम लोग, हाँ यही चीज हम लोग के साथ है कि मोहतरम न्याली जो इस वक्त आजकल मसरूफ हैं एक मीडिया चैनल के साथ हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आएंगे, इंशाल्लाह उनको लेके आएंगे, और उसमें फिर हम, मैं भी नहीं हूंगा, शहजाद भी नहीं होगा, सिर्फ आप और वो। नहीं 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 भाई, एक रेफरी बीच में होना चाहिए, पता है आपको, वरना क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए आपको बताऊं, एक हॉस्पिटल ना पहुंचा हुआ हार्ट अटैक की वजह से। अपने लिसनर्स को मैं बताऊं कि, और व्यूअर्स को, कि एक हमारा ग्रुप बना हुआ है FM 105 के नाम से, हॉट 105 के नाम से, उसके अंदर नया कोई भी नहीं है, सारे पुराने हैं उसके अंदर, और मैं कहता कुछ नहीं तो 20-25 तो लोग होंगे उसके अंदर, तो ये सारे वो लोग हैं जो ऐसा लगता है तीन लोगों के अलावा सारे कोमा में गए हैं। अब उनको उठाने के लिए मैं आग लगाता हूँ, लेकिन कोई नहीं उठता नींद से। अच्छा नहीं, मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली जो व्हाट्सएप चैनल्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं ना, वैसे ही बनते हैं, जब बनते हैं तो बड़ी गहमा गहमी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज और बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है उनकी, और फिर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ दो ही तीन रह जाते हैं। तो शायद उस हमारे जो ग्रुप है उस दो तीन के अंदर मैं हूँ, आप हैं, और चल रहे नाम ले लेते हैं उनका, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे कलीग हैं पुराने, रिजवान जैदी साहब, और रिजवान जैदी जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं ARYQ TV के साथ, और कहाँ से मिल रहा है, तो मसरूफ तो होंगे। रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं QTV के साथ, और इंशाल्लाह जैसे वो फ्री होंगे, उनको जैसे वक्त मिलेगा इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे, और बल्कि कोशिश करेंगे किसी दिन उनका अगर कहीं वहाँ एक ऑफ आता है उनका कोई, तो हम इंशाल्लाह यहाँ उनको इनवाइट करेंगे। तो लोगों के लिए, लोगों को बहुत मजा आने वाला, अगर मेरा और उनका शो एक साथ हो गया तो लोगों के मजे आ जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा शो होगा। अच्छा, हम एक कोशिश और भी करेंगे, WWE का रिपीट हो जाएगा। नहीं, अपना जाहिद को जो है, चलो एक और चीज बता दूं कि FM में इनको ZJ के नाम से पहचाना जाता था, तो जाहिद जमाल, तो हम एक काम और करेंगे ZJ, उसमें क्या करेंगे कि हम जो हमारे 105 का ग्रुप है उसमें से भी लोगों को लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, उसमें जैसे सहर अमान है उसके अंदर फरीन मलिक है उसके अंदर, उसमें हुमा काशिफ है उसके अंदर, उसमें और कौन कौन है, रिजवान जैदी है उसमें, और कौन है जो आरजे रह चुके हैं,
और मुझे नहीं पता, ये आपको पता होंगे। उसमें उसमें एक 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 स्पाई भी है उसके अंदर 103 का। अच्छा हाँ, लेकिन लेकिन चूंकि वो उनका जो राइट हैंड है वो 105 में हुआ करता था, और चूंकि वो बिजी रहती है तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि भाई आप संभालें और मुझे मैसेज जो है फॉरवर्ड करती रहा करें। वो हैं और भी लोग हैं काफी उसके अंदर, कोशिश करेंगे उनको भी हम किसी तरह से लेकर के आएं और इसी तरह से टिकटॉक और चिट चैट करें बैठ करके। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहते हैं ना गुफ्तगू में शाइस्तगी के लिए और आग को थोड़ा कम रखने के लिए सिन्फ आहंग और सिन्फ नाजुक का होना जरूरी है। तो एक जरा सिन्फ नाजुक होगी तो दोनों तरफ से थोड़ा जो है ना तमीज की राह जो हमवार की जाए। हम दोनों तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आधा घंटा गुजर गया है, जो कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं इतना बोल भी सकता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा खुद पे नहीं, नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं जाहिर, अच्छा बोल सकते हैं, आपके पास कंटेंट है और आपने जितने शोज किए वो जमा के किए, जिसे कहते हैं जमा के करना, जमा के किए, आवाज ही माशाल्लाह मैंने आपको अच्छी दी हुई है। तो ये बात हो रही है कि शायद कुछ लोगों को किसी जमाने में आप थोड़े आगे पीछे लगते हो कि नहीं यार बस बहुत हो गया इनको फारिग करो, या मेरे लिए भी ऐसे हुआ कि नहीं बस इनको फारिग करो, शायद ये बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। तो अदरवाइज माशाल्लाह परफेक्ट, अभी तक परफेक्ट हैं आप। और सूरज शक्ल के ऊपर और नंबर्स पे तो मैं तो घर जाते नहीं, और यकीनन आप भी नहीं जाते होंगे कि आपकी एज इतनी हो गई, आपकी सूरज शक्ल ऐसी हो गई। भाई जैसे हैं आपके सामने, पसंद करना है करो, नहीं करना है तो अस्सलाम वालेकुम। अब हम उम्र के उस दौर में जब हम जो है बातों से मुतासर करते हैं, अब हम वो दौर से निकल गए जब हम अपने हुस्न और अपनी अपनी जवानी से लोगों को मुतासर करते थे। इस बात पे हम एंड कर देते हैं। नहीं, हम तो अभी भी भाई, हम लोग ये अपने आप को कभी भी ना आप डिमोटिवेट ना करें, डिस्करेज ना करें, आप हैं अभी भी माशाल्लाह से, आपके अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं। ठीक है आपने थोड़ा तकल्लुफ से काम ले लिया और कह दिया कि मेरे अंदर ये नहीं ये नहीं, सब कुछ मौजूद है आपके अंदर, ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि जितने भी हमारे साथी हैं सब उनके सबके अंदर मौजूद है। हाँ जीशान भाई, ब्रिटिश का ये एक उसूल है जब आप ब्रिटिश हो जाते हैं कि वो हर चीज में अपने आप को थोड़ा सा लो करके पेश करते हैं, ये ब्रिटेन का रूल है। तो अब हम भी ब्रिटिश हो चुके हैं तो हम भी उस, वो कहते हैं ना उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा कमतर पेश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है हम चीज के अंदर से आप ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप मुखातिब पाकिस्तान में, तो लिहाजा ब्रिटेन को जो है थोड़ा पीछे करके हैं। ऐसे ही है। एनीवे बहुत बहुत अच्छा लगा अपना, क्या नाम है जाहिद, थैंक यू वेरी मच, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कुछ आपके शो को कुछ ऐड करें ऐसा कि एक शो आप वंस इन अ वीक करें हमारे साथ, चाहे वो रेडियो हो चाहे इस तरह से हम वीडियो करें, और कोशिश करेंगे कि उस टीम में से भी किसी एक आध को निकाल के लेकर आए जो 105 की टीम है हमारी, और हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हमें। और मैं तो बिल्कुल कहता हूँ इन सब से कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म बना के दे दिया गया है, अब आप अपने आप को लेके चलें, आप अपने आप को मनवाइए इसमें। ठीक है अगर मैं कुछ पे नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगेन वही कि नॉन प्रॉफिटेबल रेडियो है, मैं पे नहीं कर पा रहा, तो कम से कम आप तो अपने आप को मनवाएं, आप तो अपने फैंस बनाएं, आप अपनी एक हाँ, तो वो उसमें काफी लोग कामयाब हो चुके हैं, काफी लोग कर रहे हैं उसके अंदर, चार पांच नाम तो भी ऐसे हैं कि मैं लेना नहीं चाह रहा कि जो थोड़े से आगे निकल चुके हैं और वो कहते भी हैं कि नहीं जी हमने यहाँ आपके यहाँ पास से किया तो काफी कुछ सीखा हमने, गो के वो चीजें मैं या हमारी और दूसरे सीनियर्स हैं नहीं सिखा पा रहे जो कि सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है कि जो आजकल का न्यू MJ या न्यू RJ है ना, वो समझता ही नहीं सीनियर्स को, उनकी बातों को जो ना इग्नोर कर देता है, अगर उनकी बातों को थोड़ा सा भी फॉलो कर लेना तो आगे जाके बिल्कुल चमक सकते हैं, पॉलिश हो सकते हैं, वो वाली पॉलिश नहीं जो आजकल लोग कर रहे हैं, दूसरी पॉलिश, बूट पॉलिश नहीं, बूट पॉलिश नहीं। ठीक है जनाब, आज जो है तकरीबन हमारे पास आधा घंटा बाकी, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर सहरी का टाइम शुरू हो जाएगा, तो हाँ आधा घंटा हमने दूसरे मेहमान को भी देना है। जाहिद भाई आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट एक महफिल दोबारा से बड़ी भरपूर सजेगी, आप किन का नाम लेते हैं, रिजवान भाई का? बिल्कुल बिल्कुल, रिजवान भाई को लेके आएंगे इंशाल्लाह। हाँ रिजवान भाई के साथ जो है गुफ्तगू बड़ी मजेदार होने वाली है, और उस दिन जो है धुआंधार होने वाली है। हाँ हमारे पास सेंसर बीप ऑन रखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? सेंसर बीप ऑन ये डिले
डिले और जो है वो शार्क के केबल काटने से थोड़ा सा वो मेहतात रहना पड़ेगा। अच्छा हम पता क्या अपना जाहिद, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे जो सीनियर्स थे उनको लेके नहीं आएंगे, हम कोशिश करेंगे हम किसी दूसरी कंट्री से भी लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो लेके आएंगे ना तो होपफुली जरा और अच्छा मजा आएगा उसके अंदर। बिल्कुल सही। बल्कि आपके भी सराउंड में अगर देखें आप वहाँ यूके में कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई किसी दूसरी कंट्री का बनता है और अच्छा बोलता है और थोड़ी सी नॉलेज रखता है तो आप उसको लेके आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना ये आइडियाज जो है हम एक दूसरे से पूछेंगे कितने नायाब हीरे आपके आस पास है जो के कुछ बताते हैं मालूमात पे ये हमारी जो लाइव स्ट्रीम होगी ये इसी तरह से होगी। तो आज हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जहद भाई माशाल्लाह आप जो है आपके लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं और ये कि हमसे तो बहुत बेहतरीन है यार। नहीं नहीं सर, ये आपकी जर्रा नवाजी है वरना नहीं, एक सेकंड आपने कहा कि ये आपकी जरा नवाजी है, मैं समझा शायद तुम कहना चाहते ये आपकी ये जरा आग का मसला है। बहुत अच्छा कवर किया, वरना फतेह अली खान और हम में कोई फर्क है नहीं। पता है ना आजकल या तो लाहौर दा पावा अख्तर लावा चल रहा है या चांद फतेह अली खान, वो भी इल्फर्ड लेन इधर लंदन में ही रहता है, उसको लाना है तो बताइएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल उनको लेके आएंगे, उसको भी तमगा इम्तियाज मिलने वाला है कुछ अरसे, उनको तो लाजमन लेके आए। ठीक है, वो पहले एक रेडियो पे आ भी चुके हैं, एक हमारा और रेडियो था, तो उनके साथ आपका प्रोग्राम डन हो जाए आप डेट हमें बता देंगे। ठीक है बिल्कुल, बहुत मजा आएगा उस तरह के, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि तमगा इम्तियाज जो अगला है ना वो उन्हीं जैसे और उन्हीं को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं भाई, हम लोग तो पाकिस्तान से बाहर रहना डिजर्व करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे और लगता है कि जैसे जैसे रात गुजर रही है जाहिद के अंदर जो ना एक चीज आ रही है। अच्छा। तो इससे पहले के शार्क आके केबल काटते तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जाहिद की जानिब से एक लंबा सा सलूट।